जब सड़कों पर बहने लगी चॉकलेट, तो सड़कों पर कभी बारिश तो कभी किसी लीकेज के कारण अभी तक तो केवल पानी का ही सैलाब आता देखा गया है। लेकिन एक ऐसा भी अजूबा हुआ है जहां पर सड़कों पर पानी नहीं बल्कि चॉकलेट की नदी बहती नदी देखी गई। ये कोई थोड़ी मात्रा में चॉकलेट नहीं बहाई गई थी, बल्कि ये चॉकलेट की एक नदी थी जो कि खतरनाक साबित हो सकती थी। बड़े नुकसान के अंदेशे के चलते फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू के लिए बुलाना पड़ा। ये अजीब हादसा जर्मनी के एक शहर में हुआ है, जहां पर अचानक से सड़कों पर भारी मात्रा में चॉकलेट बहने लगी। नजारा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सड़क पर चॉकलेट की नदी बह निकली हो। दरअसल ये हादसा जर्मनी के वेस्टोनन नाम के शहर में हुआ। यहां पर एक स्वीट फैक्ट्री में मौजूद चॉकलेट के स्टोरेज टैंक में बड़ा लीकेज हो गया। इस लीकेज की वजह से ही चॉकलेट इस तरह से सड़क पर बहने लगा। जानकारी के मुताबिक इस बड़े लीकेज की वजह से पूरा का पूरा एक टन चॉकलेट सड़कों पर बह गया। इसे साफ करने में फायर ब्रिगेड की भी मदद लेनी पड़ी। इससे पूरे शहर में ट्रैफिक बाधित रहा। इतनी बड़ी मात्रा में चॉकलेट बह जाने के बाद भी फैक्ट्री के प्रमुख ने कहा कि कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर इस चॉकलेट की नदी की तस्वीरें बहुत जोरों से शेयर की जा रही हैं।